So hi everyone and welcome back to the session of General Science for the paper ESIC Deputy Director. So guys, I hope अभी तक के sessions आपको clear हैं. अभी तक हमने दो sessions कर लिए हैं. पहले में हमने पढ़ा था motion and force से related MCQs. Then we have discussed the MCQs from the chapter gravitation. Now in today's session I will bring to you the MCQs from the chapter work energy and power. Okay? तीनों जो topics हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं. इसमें ज़्यादा कुछ detail में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. So that's why I am here with the all the three topics together. All right, so let's begin with the session without any delay guys, but before we begin, do subscribe to the channel and press this bell icon. You can also join this Telegram group. Here you will get the PDF of this session after its completion. So let's move ahead to the very first question. Now guys, dekho jo science ke MCQs hote hain wo bahut easy hote hain, theek hai, bahut aasan hi aate hain, theek hai, itna koi difficult MCQs nahi aate hain. So there is no need to do PhD in this science, because अगर science में PhD करवानी होती तो वो science physics लिखते, chemistry लिखते, bio लिखते, वो general science नहीं लिखते syllabus में. So all work you have to do is to do the general science and not the physics, not the chemistry, not the bio. Okay, ये इसको ये मैं सोच रहा कि तुम physics पढ़ रहे हो, ये तो physics है ही नहीं. Physics की शुरुआत तो बहुत आगे जाके होती है, ठीक है. तो आ जाओ, which of the following, in which of the following cases the work done by an object is zero. Now सबसे पहले work की बात कर लेते हैं, work होता क्या है. See, अभी मैं बैठ के यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क साइंटिफिकली. आप कोई काम नहीं कर रहे, बिकॉज साइंटिफिकली व्हाट इज वर्क? द वर्क इज अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया और वो डिस्प्लेस होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है, या यू कह सकते हो वो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है. ऑलराइट, सो देयर मस्ट बी टू थिंग्स, वन इज द फोर्स एंड अनदर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तभी वर्क हो पाएगा. सो द फॉर्मूला गाइज ऑफ फोर्स ऑफ वर्क इज एफ एस कॉस थीटा. एफ एस फोर्स, एस एस डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज दिस थीटा? ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दिस एस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट डिस्टेंस. लेट अस से फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक है जिसका मास है एम. द फोर्स वी आर अप्लाइंग इट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट विल बी द एंगल? 0 degree. ऑलराइट, नाउ लेट अस से एक कुली है, वो अपने सर के ऊपर सामान रख के जा रहा है, ठीक है. हियर इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, विच मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज दिस, बट द फोर्स ऑफ दिस मास, दिस ऑब्जेक्ट is towards the vertically downward direction. Why? Because जो इसका वेट होगा कुली का along with this object जो उसने सर पे रखा है, वेट हमेशा याद रखना वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, ठीक है. ये वेट ऐसे लग रहा है, मतलब फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ, बट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस. तो वट इज द एंगल? 90 degree. समझ में आ गया, ठीक है. तो दिस इज द थीटा. थीटा बेसिकली गाइज इज द एंगल बिटवीन वर्क, बिटवीन द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब देखो, तीन तरीके का वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क. पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की सेम होती. नेगेटिव वर्क कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होती है. अब आप कहोगे अच्छा ये कैसे भाई? तो देखो, ये है ऑब्जेक्ट जिसका मास है एम. इस पर मान लो कि आप एक फोर्स लगा रहे हो इस तरफ और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है. अब यहाँ पे एक फोर्स और है, अगर आप ध्यान से देखो तो इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी, ठीक है. तो इफ अगर आपसे कोई ये बोलता है कि ऑन दिस ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, सो दैट विल बी नेगेटिव और नॉट, बिकॉज द डायरेक्शन इज व्हाट? अपोजिट. समझ रहे हो? सिमिलरली ये पेन है, इसको जब मैं ऊपर उछालूंगा और जब ये ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, दो चीजें हैं यहाँ पे, मैंने ऊपर फेंका तो देयर इज एन अप्लाइड फोर्स आल्सो अप्लाइड बाय मी. द वर्क डन बाय दैट अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स ऊपर लगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुई. बट जब ये ऊपर जा रहा है, देयर इज वन मोर फोर्स इन्वॉल्व, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको नीचे खींच रही है. एट दैट टाइम, जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क कर रहा है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी. समझ में आ गया? और जीरो वर्क दो केसेस में, अगर फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क भी जीरो, ठीक है. दीवार को फोर्स लगाऊं अगर मैं तो दीवार थोड़ी ना हिल जाएगी,
तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वैसे भले ही मैं बहुत ज्यादा थक जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वॉट अबाउट थीटा, अब जैसे कुली वाला एग्जाम्पल ले लो, ये कुली का सामान सर पे है, फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, सो द एंगल विल बी 90 डिग्री। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा एंड कॉस 90, कॉस 90 इज व्हाट, जीरो, इफ यू रिमेंबर कॉस 90 इज जीरो एंड कॉस जीरो इज वन, सो वर्क डन विल बी व्हाट गाइस, जीरो, वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हेयर द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, एंड वर्क की ऐसा यूनिट होती है गाइस जूल, एंड सी जी एस यूनिट होती है अर्क्स, ठीक है, और वन जूल में होते हैं 10^7 अर्क्स, ठीक है। When the angle between applied force and displacement and the direction of displacement is zero, zero पूछा है तो 90 degree के case में होगा, option B guys will be the correct answer to this question. I hope this question is clear. Moving ahead to question number 2, what will be the effect on work if the force and displacement of particle in the direction of force is doubled? ठीक है, work का formula क्या होता है, Fs cos theta होता है, F को भी डबल कर देंगे, S को भी डबल कर देंगे, तो वर्क कितना हो जाएगा, अगर ये 2F हो जाएगा और ये 2S हो जाएगा, तो इनिशियल्स के इनिशियली वर्क, इनिशियल वर्क के हिसाब से कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना था, Fs cos थीटा, कितना हो गया 4Fs cos थीटा, तो वर्क बिकम 4 टाइम्स, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब कोल जलता है तो किसका एग्जाम्पल है, देखो कोल के अंदर केमिकल होते हैं, जब वो जलता है तो लाइट निकलती है और उस लाइट से क्या होती है, हीट होती है, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी, एंड एज यू ऑल नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, What will be the decrease in potential energy of a ball of mass 20 kg falling from a height of 50 cm? So there are two types of energy, you all know. मतलब वैसे तो there are various types of energies, kinetic energy and potential energy. The energy possessed by an object by virtue of its position. मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अबे जो मेरे पास energy है वो क्या है, potential है, लेकिन अगर मैं move करने लगूंगा, the energy possessed by an object by virtue of its motion, तो वो मेरे पास क्या एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वंस अगेन एक बात और याद रखना, एनर्जी की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, जूल सी होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, बिकॉज एनर्जी इज व्हाट, कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज व्हाट, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब कैपेसिटी की तो कोई यूनिट नहीं हो सकती, आपकी कैपेसिटी अलग होगी, मेरी अलग होगी, मेरे दोस्त की अलग होगी, मेरी मम्मी की अलग होगी, ठीक है, तो इसलिए एनर्जी जो है वो किसकी ऐसा यूनिट पकड़ता है, वर्क की, ठीक है। तो जूल ही ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की, जूल ही नहीं, जूल ही, ऑलराइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली गाइस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एच, ओके। सो व्हाट विल बी द डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 केजी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, सो व्हाई दे आर सेइंग डिक्रीजिंग, बिकॉज लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज हियर एट अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, इफ इट इज गोइंग डाउन व्हाट विल डिक्रीज, हाइट विल डिक्रीज ऑफ कोर्स, सो इफ हाइट विल डिक्रीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, ऑलराइट। 20 kg हाइट तो ठीक है, फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मास कितना हो गया 20, जी हो गया 9.8 और हाइट हो गई 50 सेंटीमीटर, बट 50 सेंटीमीटर नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस वी हैव टू डू इन एसआई यूनिट्स, सो दैट विल बी 0.5 इंटू 20 10 इंटू 9.8 98 जूल विल बी द करेक्ट आंसर, एंड इफ द एनर्जी ऑफ इफ द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, then all types of energy का जो unit होगा जूल ही होगा, चाहे kinetic हो, potential हो, electric हो, chemical हो, nuclear हो, कुछ भी हो, ठीक है। Question number 5, which of the following is not a unit of energy? Now this is very interesting question guys, देखो क्या, देखो work is equal to क्या होता है, इसको ऐसे पकड़ लो, power is equal to क्या होता है, work done upon time, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, पहले इसको भूल जाओ, पहले पावर समझ लेते हैं, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैं एक घंटे में
10 जूल काम करता हूँ, आप 1 घंटे में 20 जूल काम करते हो, तो आपकी पावर क्या है? ज्यादा है, बिकॉज आप 1 घंटे में 20 जूल काम करते हो, मैं 10 काम करता हूँ। दिस इज पावर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट? वॉट। अब इस वॉट को अगर हम देखें तो वॉट का मतलब क्या होगा? जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? वॉट का मतलब क्या होगा? जूल पर सेकेंड। बिकॉज टाइम वर्क डन की यूनिट होती है वॉट, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, अब यहां से अगर आप वर्क की यूनिट निकालो, वर्क की यूनिट अगर निकालोगे यहां से, तो कितनी आएगी? पावर इंटू टाइम। वर्क कितना होगा? पावर इंटू टाइम होगा। तो पावर की यूनिट होती है वॉट, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड, यानी वॉट इंटू टाइम की यूनिट अगर होगी तो वो भी किसकी होगी? वर्क की। और अगर वर्क की होगी तो एनर्जी की भी होगी। समझ में आ गया? यहां से इस फॉर्मूले से अगर हम वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा? पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की होती है सेकेंड। तो पावर की कोई भी यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम की कोई भी यूनिट, वो वर्क की यूनिट होगी। ऐसा ही नहीं होगी, ऐसा ही तो चलो यही होगी। लेकिन अगर कोई भी यूनिट मैं पावर की रख देता हूँ, हॉर्स पावर रख देता हूँ, और यहाँ पे टाइम की मैं आवर्स रख देता हूँ, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो यूनिट बनेगी किसकी बनेगी? वर्क की बनेगी। तो अगर वर्क की बनेगी तो भाई एनर्जी की भी तो वही होगी। ठीक है, अब आ जाओ लौट के इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसमें चलो ठीक है, किलोवाट आर। देखो किलोवाट किसकी यूनिट होती है? पावर की, और आर किसकी होती है? टाइम की। तो पावर इंटू टाइम वर्क, वर्क मतलब एनर्जी। तो ये एनर्जी की जूल, एनर्जी की यूनिट है। जूल तो होता ही हमें पता है। वॉट सेकेंड, अगेन वॉट किसका यूनिट है? पावर का। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। पावर इंटू टाइम वर्क, और वर्क का है तो एनर्जी का भी होगा। तो दिस इज करेक्ट। अर्ग्स, अर्ग्स सीजीएस यूनिट होता है वर्क का, ऑफकोर्स एनर्जी का भी होगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वॉट तो पावर की यूनिट होती है भाई, ये तो हमें पता है। सो ऑप्शन ई गाइज विल बी दी करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज दिस क्वेश्चन इज क्लियर। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली व्हाट हैपेंस टू इट्स टोटल एनर्जी? भाई टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट ही रहती है, टोटल एनर्जी थोड़ी चेंज होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टोटल एनर्जी चेंज हो सकती है क्या? नहीं। तो टोटल एनर्जी रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बट सम पीपल गाइज गेट कंफ्यूज है कि अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसे होगा। कुछ भी नहीं, टोटल एनर्जी सेम रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए दुनिया में, लेकिन टोटल एनर्जी नहीं हिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल्ड रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 4 times ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार? तो मैंने बताया था आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ पोजिशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। यहाँ क्वेश्चन में क्या हो रहा है? वेलोसिटी 4 times हो रही है ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बढ़ने से पोजिशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? पोजिशन ऑफ कोर्स चेंज होगी, बट उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन द सेम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर गाइस। ऑलराइट, क्वेश्चन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम, फोर्स यहां से अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, बट फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? इधर को लगेगी। सो द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव का ही पूछा है। तो गाइज जब भी दो चीजें ऑपोजिट होती हैं ऐसे, तो उनके बीच में एंगल कितना बन रहा होता है? 180 डिग्री। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ why 180 degree answer will be negative? Because we all know work is equal to fs cos theta, and cos 180 ki jo value hoti hai that is guide -1. Okay, so option e is the correct answer. A body is falling from a height h, after it has falling a height h by 2 it will possess. Ek body hai yahan se niche gir rahi hai aur iski height kitni hai? h. Dekho abhi yahan pe rest mein hai, to iske paas kaun si energy hogi? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। ठीक है, जब ये नीचे गिरेगा पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ऑलराइट, एट द मिडिल पॉइंट बोथ विल बी इक्वल, और जब नीचे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट जो होगा वो क्या होने लगेगा? ज्यादा होने लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट काइनेटिक एनर्जी से कम होने लग जाए। समझ में आ गया? So at the middle point, kinetic energy and potential energy will be equal.
So option C, half PE and half KE will be the correct answer. Question number 10, how many joules are there in 1 kilowatt hour? So as you all know guys, kilowatt hour is the commercial unit of energy. It is the commercial unit of energy. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जिसमें आपके घरों में बिजली का बिल जो आता है उसमें देखना कभी उठा के यूनिट लिखी होगी किलोवाट आर, ठीक है। तो कमर्शियल, अब किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट करना है तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। किलोवाट मतलब 1000 वॉट एंड 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। 1 hour इज इक्वल टू वॉट 3600 सेकेंड्स, 1000 into 3600, 3600 एक दो तीन 36 5 times 0 वॉट इंटू सेकेंड्स। वॉट इंटू सेकेंड्स जूल ही तो होता है, अभी अभी पढ़ा हमने वॉट इंटू सेकेंड्स क्या होता है, जूल। एंड दिस कैन बी रिटन एज 3.6 × 10⁶ जूल्स। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर गाइज टू दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप गाइज ऑल द क्वेश्चन आर क्लियर एंड दैट्स इट फॉर द सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यू आर ऑल्सो लाइकिंग द सेशन। इफ यू आर लाइकिंग द सेशन गाइज, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी आपका जानकार आप ये वाला एग्जाम दे रहा है। एंड प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।